व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। जिस तरह के आपने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो कि मूव करता है। मोबाइल यूनिट्स का मतलब क्या है? जो मूव करते हैं। इसकी जो है एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे स्किन है, स्किन जो है वो भी आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है, लेकिन वो एक जगह पर स्टेबल है, मतलब वो मूव नहीं करता। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स आपको, आपका एक ऐसा प्रोटेक्टिव सिस्टम है बॉडी में जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो इसलिए देता है क्योंकि ये जितने भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई केमिकल सब्सटेंस हमारे लिए डेंजरस है उसको जो है खत्म करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें दो क्लासिफिकेशन है। एक जो होते हैं ग्रेन्यूलर लिकोसाइट्स होते हैं, और ग्रेन्यूलर जो लिकोसाइट्स हैं इनको हम हाँ, लिकोसाइट्स कहते हैं, और ए ग्रेन्यूलर लिकोसाइट्स को हम ए ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कहते हैं। ये दो आपने इसके नेम्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रेन्यूलर लिकोसाइट्स, ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो, ठीक है। अब इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो रेड बोन मैरो से होती है। रेड बोन मैरो आपको पता है कि ब्लड के, आपके जो ब्लड सेल्स हैं इसकी जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है वो है आपकी बोन मैरो होती है। बोन मैरो जिस तरह हम आम अल्फाज में जो है वो कहते हैं हड्डियों के अंदर जो मिक होती है, वहां से ये जो है इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एंड हैव कॉन्स्पिशियस ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा दाने होंगे। एंड पोजेस लोब न्यूक्लाई, और इनका जो न्यूक्लाई है वो लोब शेप होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स। इसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं जिसकी जो परसेंटेज है वो 62% है, और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर इओसिनोफिल्स ये 2.3% तक होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, और ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बेसोफिल्स हैं ये 0.4% तक आपके ब्लड अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो है आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इनकी परसेंटेजेस क्या है। नेक्स्ट, ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, दे आर सेकेंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ये सेकेंड ग्रुप है ल्यूकोसाइट का डेट डेवेल्प फ्रॉम द लिम्फाइड टिश्यूज। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर नॉट सेम, ये आपके लिम्फाइड टिश्यू से, आपके लिम्फेटिक सिस्टम से ये ओरिजिनेट होते हैं, और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेन्यूलर में जो है ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं। इसमें दो सेल्स आते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, और लिम्फोसाइट तकरीबन 30% तक है, और मोनोसाइट्स जो है वो 5.3% तक हो सकते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप ये जितने भी आपके पास ऊपर परसेंटेजेस आई हैं, ठीक है जी, इन सब का जब सम करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है जी। यानी आपसे लेट्स सपोज मैं अब पूछता हूँ कि 100% आपके जो वाइट ब्लड सेल्स में हैं उनमें से लिम्फोसाइट की तादाद कितनी है, तो आपने कहना 30%, ठीक है। इस तरह आपने इसको जेन में रखना है। ओकुलेजिनी प्लाज्मा सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेवन टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो, ठीक है जी। और प्लाज्मा सेल्स या प्लेटलेट्स जो हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हैं, ये आपके बोन मैरो के अंदर मौजूद होते हैं। ये आगे उसने बताया कि जी ब्लड स्टेम सेल्स हैं, इससे आगे ओरिजिनेट होते हैं माइलेट स्टेम सेल्स, इनसे आगे माइलोब्लास्ट बनते हैं जिससे आगे इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स बनते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्रेन्यूलर है, इनमें बहुत ज्यादा दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, और ये लोब बनी हुई है न्यूक्लियस की। जबकि लिम्फाइड स्टेम सेल से आपके बी लिम्फोसाइट, सी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं
ये भी वाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप्स हैं, और ये आपकी यानी मुख्तलिफ केमिकल से आपको सेव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एवरेज जिन्होंने काउंट है वाइट ब्लड सेल्स की, वो 7000 पर mm³ तक हो सकती है, और जो रेंज जो नॉर्मल कंसीडर की जाती है वो 4000 से 11000 पर mm³ तक इसकी नॉर्मल वैल्यूज हैं। अगर आपकी इस रेंज के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो फॉल करती है, तो आप कहते हैं कि आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एवरेज नॉर्मल वैल्यूज है। अगर तादाद बढ़ जाए तो ये ज्यादातर शो करती है कि जी आपके कोई इन्फेक्शन चल रही है, और बहुत ज्यादा कम हो जाए इसका मतलब है कि आपके वाइट ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर काम नहीं कर रहा। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ईच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है जी। अब इनमें से बताया है कि अब जितने भी सेल्स आपने ऊपर 5 तरह के पढ़े थे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स, इनकी मिकदार एक-एक की मिकदार कितने तक होनी चाहिए, ये 500 पर mm³ तक अगर आते हैं तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इओजिन जो है ये आपके 275 mm³ तक होने चाहिए, और जो आपके बेजोफिल्स हैं ये 35 पर mm³ तक मौजूद होने चाहिए, तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये 27-50 पर mm³ तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है अगर आपकी वैल्यूज ये आती हैं, और जो आपके मोनोसाइट्स हैं ये 450 पर mm³ तक है। ये आपने जो है ना इसको अच्छी तरह याद रखना है कि मुख्तलिफ वैल्यूज आपको पूछी जा सकती हैं कि बताएं मोनोसाइट जो है उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ब्लड में कितनी होनी चाहिए काउंट के लिहाज से, तो आपने कहना 450 पर mm³, यानी अगर आप 1 mm³ ब्लड जो है वो हासिल करते हैं तो उस 1 mm³ के अंदर 450 मोनोसाइट्स मौजूद होंगे, तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो है केमिकल नेचर की बात की जाए, केमिकल नेचर है WBCs आर रिच इन न्यूक्लियो प्रोटीन्स, इनके अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का इनमें कम्बिनेशन होता है, एंड दे आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन कोलेस्टेरोल एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर जो है ग्लाइकोजन है, कोलेस्टेरोल है और लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। लाइफ स्पैन WBCs की जो है ग्रैंडुलोसाइट की ये 4 to 8 hours है सर्कुलेटिंग ब्लड में, और 4 to 5 days आती है टिश्यूज के अंदर, जबकि मोनोसाइट्स जो है इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 4 hours इन ब्लड मंथ्स और इवन ईयर्स, ठीक है। मोनोसाइट जो है ये 10 से 12 घंटे इसकी लाइफ स्पैन है आपके ब्लड में, और ये मंथ से लेकर इनकी जो लाइफ है वो ईयर्स तक भी हो सकती है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स जो हैं इनकी मंथ्स और ईयर्स तक लाइफ स्पैन है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड, ये डिपेंड करती है कि बॉडी की इनकी नीड है या नहीं। साइट ऑफ WBCs प्रोडक्शन, WBCs आर डिवेलप फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द योक सैक, इन्फेंट्स के अंदर जो है WBCs आपके योक सैक से बनते हैं। योक सैक का मतलब होता है जिस तरह आप अंडे की जर्दी देखते हैं, ठीक है जी, अंडे की जो जर्दी होती है उसको योक कहते हैं, तो योक सैक से ये बनना शुरू होते हैं। और मीजोडर्म होता है जो फर्स्ट आपकी जिस तरह ये मीजोडर्म जो है उसकी मिडल ईयर से जो है इसकी जनरेशन स्टार्ट होती है। आफ्टर बर्थ ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट, जब आपकी बर्थ होती है उसके बाद ये बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है जी, और इसमें ज्यादातर बोन मैरो से ग्रेन्यूलोसाइट और मोनोसाइट्स और कुछ लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। लिम्फ टिश्यूज भी आपकी वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो करते हैं प्रोडक्शन, इसमें लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल जो है वो लिम्फोजेनस ऑर्गन से बनते हैं। लिम्फोजेनस का मतलब है जो लिम्फेटिक सेल्स बनाते हैं, और जिसमें आपकी लिम्फ नोड्स शामिल हैं, थाइमस है, स्प्लीन और टॉन्सिल्स, ये सब आपके वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। फंक्शंस अगर डिस्कस किया जाए
फंक्शंस फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ये किसी भी केमिकल को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है जी, इनगल्फ का मतलब है निगलते हैं, निगलने के बाद उन बैक्टीरिया, वायरसेस या फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये काम कौन मुकम्मल करता है? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस मिलकर क्या करते हैं कि इनगल्फ करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर होता है और उस बैक्टीरिया को जो है ये या किसी वायरस को या उसके किसी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। फैगोसाइटोसिस अकल्स बाय बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स व्हेन बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी। जब आपके फैगोस जो बैक्टीरिया आपके जिस्म में एंटर होता है, इन्वेड का मतलब होता है एंट्री हासिल करना, तो जैसे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिलकर आपके जो है ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट्स बी एंड गैमा फ्रैक्शंस ऑफ द सीरम ग्लोबुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन करते हैं। इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद बाय ग्लोबुलिन। ठीक है जी, उसमें बताया कि जो आपकी इम्यून बॉडीज है, मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम में जो आपके एंटीबॉडीज हैं उनमें गैमा ग्लोबुलिन जो है वो मौजूद होती है। सो द लिम्फोसाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि आपकी जो लिम्फोसाइट है ये आपकी एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो इसलिए ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। मतलब ये आप जब अगर आपके जिस्म में एंटीबॉडी होगी, लेट्स सपोज जैसे कोरोना की आप वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज अगर दोबारा कोरोना वायरस आपके जिस्म में आएगा उसको किल करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगी। लिम्फोसाइट में बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रोब्लास्ट एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। लिम्फोसाइट अपने आप को फाइब्रोब्लास्ट बना लेते हैं और किसी भी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ठीक है जी, ये इसी तरह फाइब्रोब्लास्ट जो बेसिकली होता है ना, इससे आगे जाकर क्लॉट बनता है। क्या बनता है? क्लॉट बनता है। तो अगर आपके फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन ना हो तो आपकी जाहिर सी बात है क्लॉटिंग और हीलिंग ठीक ही नहीं होगी। ठीक है जी, तो आपके वाइट ब्लड सेल्स अपने आप को फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट कर कर क्लॉटिंग और एट द एंड रिपेयरिंग में भी मदद करते हैं। सेक्रीशन ऑफ हेपरिन। हेपरिन जो है ना ये जो है एंटीकोआगुलेंट है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब है ये खून को जमने नहीं देता। मैं लिख देता हूं एंटी कोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट का मतलब ये खून जमने नहीं देता। अब देखें अगर अगर हमारे सिस्टम में, हमारे ब्लड में हेपरिन ना हो कम मिकदार में, या हो बहुत कम मिकदार में हो, या उसकी एक नॉर्मल वैल्यूज में होगा, अगर तो बहुत ज्यादा कम है तो हमारा ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो जब क्लॉट बनेगा, खून जमेगा नालियों के अंदर या आपकी जो आर्टरीज वेन्स के अंदर खून जमना शुरू होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत से ये जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हेपरिन को रिलीज करते हैं जो खून को जमने नहीं देता। और इनमें से जो वाइट ब्लड सेल है बेजोफिल्स सेक्रेट करते हैं हेपरिन को, जो कि खून को जमने नहीं देता। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि हेपरिन क्या काम करती है, तो आपने कहना कि ये खून को जमने नहीं देती। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हेपरिन जो है ये कौन रिलीज करते हैं वाइट ब्लड सेल में, तो आपने याद रखना है बेजोफिल सेक्रेट करते हैं हेपरिन। ठीक है, उसके अंदर लिखा है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। इंट्रावेस्कुलर का मतलब है वेसल के अंदर खून जमने के अमल को रोकती है। सेलुलर डिफेंस, फैगोसाइटोसिस ऑफ द लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फैगोसाइटोसिस करते हैं यानी इंगल्फ करते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सच एज प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स। ठीक है जी, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इंगल्फ करते हैं, रिलीज एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, और फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है सब्सटेंस इनको रिलीज करते हैं जो कि
इन एलर्जिक रिएक्शन, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है आपके जिस्म में, मतलब कुदरती तौर पे यह है कि अगर आपके जिस्म में कोई रिलीज होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपके बॉडी में जाता है, तो आपके बेसिकली वहां पर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो वहां पर कुछ केमिकल कुदरती तौर पर ऐसे भी रिलीज होते हैं जो कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो जो एलर्जिक रिएक्शन है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो कम ना हो उन केमिकल से जो कि हमारे कुदरती तौर पर बनते हैं, तो फिर हम बायो से मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करके इन इन्फेक्शन या इन इन्फ्लेमेशन या इन हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन को कम करते हैं। तो ये हमारा सेलुलर डिफेंस भी है बॉडी का।